नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है चमत्कारी टोटके, जहां हम आपको बताते हैं चमत्कारी टोटके, कुछ असरदार टोटके, चमत्कारी समाधान, वशीकरण के कुछ मुख्य उपाय तथा चमत्कारी उपाय, आपकी राशि से जुड़े कुछ विशेष गुण और वेल्थ टिप्स के बारे में। तो आइए दोस्तों, इसी श्रृंखला में हम आपको बताने जा रहे हैं द्रौपदी की सुहागरात से जुड़ी कुछ विशेष बातें तथा द्रौपदी का अपने पांच पतियों के साथ कैसा था संबंध। जी हाँ दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल चमत्कारी टोटके को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारे हर वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी, तथा हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि द्रौपदी की सुहागरात के पीछे क्या रहस्य था और द्रौपदी का अपने पांच पतियों के साथ कैसा था संबंध। दोस्तों, महाभारत में पांचों पांडव भाइयों की पत्नी द्रौपदी के बारे में तो आप सबने सुना होगा। द्रौपदी की उत्पत्ति राजा द्रुपद के हवन कुंड से उस समय हुई थी जब वो अपने दुश्मन द्रोणाचार्य के वध के लिए पुत्र प्राप्ति का यज्ञ कर रहे थे। राजा द्रुपद के उसी यज्ञ हवन कुंड की अग्नि से एक पुत्र के साथ एक पुत्री की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम था द्रौपदी। आप लोग ये भी जानते ही होंगे कि राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के विवाह के लिए स्वयंवर रचाया था, जिसमें ब्राह्मण भेष में आए अर्जुन ने स्वयंवर की शर्तों को पूरा करके द्रौपदी को अपनी पत्नी बना लिया था। दोस्तों, जिस समय द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, उस समय पांचों पांडव भाई अपनी माँ कुंती के साथ अपनी पहचान छिपाकर ब्राह्मण वेश में रहा करते थे और भिक्षा मांगकर अपनी जीविका चलाते थे। पांचों पांडव भाई जितनी भी भिक्षा मांगकर लाते थे, उसे अपनी माँ कुंती के सामने रख देते थे और फिर माँ कुंती उसे पांच भाइयों में बांट दिया करती थी। दोस्तों, इसी तरह अर्जुन द्रौपदी को लेकर जब अपने घर आए तो उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर कहा कि देखो माँ, आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। परंतु घर का कार्य कर रही माँ कुंती ने उनकी तरफ देखे बिना ही ये कह दिया कि जो कुछ भी लाए हो उसे पांचों भाई मिलकर उपभोग कर लो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुंती सहित पांचों पांडव भाई बड़े ही सत्यवादी थे और अपनी माँ के मुँह से निकली हुई हर बात को आदेश की तरह मानते थे तथा अपना धर्म समझते थे। इस कारण अपनी माँ के मुँह से निकले हुए इन शब्दों को लेकर पांचों भाई चिंतित हो गए। देवी कुंती ने भी जब द्रौपदी को दरवाजे पर खड़ा देखा तो बड़ी चिंतित हो गईं। उन्होंने ये क्या बात बोल दी, ये सोचकर उन्होंने अपने पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे द्रौपदी का भी अनर्थ ना हो और कुंती के मुँह से निकली हुई बात भी झूठी साबित ना हो। दोस्तों, जब इस बात का कोई रास्ता नहीं निकल पाया तो राजा द्रुपद भी बहुत परेशान हो गए, तो उन्होंने अपनी सभा में बैठे भगवान श्री कृष्ण और महर्षि व्यास जी से कहा कि धर्म के विपरीत किसी स्त्री के पांच पति की बात तो सोची भी नहीं जा सकती है। तब महर्षि व्यास जी ने राजा द्रुपद को बताया कि द्रौपदी को उनके पूर्व जन्म में भगवान शंकर ने कुछ ऐसा ही वरदान दिया था। भगवान शिव के उसी वरदान के कारण ये समस्या उत्पन्न हुई है और भगवान शिव की बात अन्यथा कैसे हो सकती है। महर्षि व्यास जी के समझाने पर राजा द्रुपद अपनी बेटी द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों के साथ करने को राजी हो गए थे। दोस्तों, इसके बाद सबसे पहले द्रौपदी का विवाह पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर के साथ किया गया और सबसे पहले द्रौपदी ने युधिष्ठिर के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। फिर अगले दिन द्रौपदी का विवाह भीम के साथ हुआ और उस रात द्रौपदी भीम के साथ अपना पत्नी धर्म निभा रही थी। फिर इसी प्रकार अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ द्रौपदी का विवाह हुआ और इन तीनों के साथ द्रौपदी ने अपना पत्नी धर्म निभाया। दोस्तों, ये सोचने की बात है कि पति के साथ पत्नी धर्म निभाने के बाद द्रौपदी ने अपने दूसरे पतियों के साथ अपना पत्नी धर्म कैसे निभाया होगा। तो दोस्तों, इसके पीछे भी भगवान शिव का ही वरदान था, क्योंकि जब भगवान शिव ने द्रौपदी के पांच पति प्राप्त होने का वरदान दिया था, तब वो भी जानते थे कि कोई स्त्री अपने पतियों के साथ एक साथ पत्नी धर्म कैसे निभा पाएगी। इस कारण उन्होंने द्रौपदी को साथ में ये वरदान भी दिया था कि प्रतिदिन वो कन्या भाव को प्राप्त हो जाया करेंगी। इसीलिए द्रौपदी अपने पांच पतियों को कन्या भाव में ही प्राप्त हुई थी। परंतु संतान प्राप्ति हेतु भगवान श्री कृष्ण ने ये सुझाव रखा कि प्रतिवर्ष द्रौपदी एक ही पांडव के साथ अपना समय व्यतीत करेंगी। श्री कृष्ण ने ये भी कहा कि जिस समय द्रौपदी अपने कक्ष में किसी एक पांडव के साथ अपना समय व्यतीत कर रही होंगी, तब उनके कक्ष में कोई दूसरा पांडव प्रवेश नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी कुछ विशेष बातें द्रौपदी की सुहागरात के बारे में तथा द्रौपदी ने अपने पतियों के साथ पत्नी धर्म कैसे निभाया
उसके बारे में हमने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपना कमेंट जरूर शेयर कीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए तथा हमारे चैनल चमत्कारी टोटके को सब्सक्राइब कीजिए। जुड़े रहिए चमत्कारी टोटके के साथ।